आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और रजिस्ट्रेशन आपके पास अगर है तो लॉगिन करके फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं दोस्तों। इस चैनल पर आप पहली बार होंगे तो सबसे पहले चैनल को यहाँ से रेड बटन पर क्लिक करेगा और बगल में जो बेल आइकन आएगा इस पर प्रेस करके ऑल आपको कर देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखकर और इंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों जैसे ही प्रेस कीजिएगा और आपको देखिए, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में खुलिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक, ज्वाइन इंडियन आर्मी ऐसे खुलिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद आपको कैसे करना है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा, और वेबसाइट खुलने के बाद आपको कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है दोस्तों। जैसे ही कैप्चा को आपको फिल करके, और आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे में आपको दिख रहा होगा इंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ सही मैंने नहीं लिखा तो इसको फिर से मैं लिख ले रहा हूँ। यहाँ से इंटर वेबसाइट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट ओपन होकर आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से गलती से भी ऑफिसर के लिए लॉगिन और अप्लाई होता है तो वहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, GOC पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही GOC पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बताने वाला हूँ कि अपने आप को पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए, मतलब आप वैलिड है या नहीं है, तो चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से अपने राज्य पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे बिहार राज्य पे आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से मैं पश्चिमी चंपारण, और यहाँ से दोस्तों क्या तहसील, यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो आपका तहसील कौन सा है तो यहाँ से क्लिक करने के बाद, उसके बाद हाइट आपका कितना है ये आपको चेक कर लेना है। ठीक, तो आपको हाइट देख लेना 170 जैसे मैं लिखा, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ यहाँ से डाल दे रहा हूँ, तो चलिए मैं कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, तो 1998 ले रहा हूँ। ठीक, चलिए 1-1 लेने के बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन चलिए 12th कर लीजिए, और एफियर में अगर 12th कर लीजिए। एपियर के मतलब और पास्ट के, एपियर का मतलब ये होगा 12th में आप है, एपियर का और पास्ट के मतलब पास्ट कर चुके हैं। यहाँ मेल या फीमेल है यहाँ से कर लेना है, और यहाँ से मैरिज या अनमैरिज है तो मैरिज है तो ठीक है, अनमैरिज है तो अनमैरिज पे क्लिक करके, और यहाँ से नो पे क्लिक करके, और यहाँ से चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको आर यू रिम्यूज कैंडिडेट तो नो पर क्लिक कर लेना है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पहले से आप सेना में है तो यस कर लीजिएगा। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से पेपर, मतलब अप्लाई करने के लिए आप वैलिड है। तो देखिए यहाँ टेक्नीशियन में वैलिड है, आपको GD में, नर्सिंग में, ऐसे ही करके आप टोटल यहाँ से पोस्ट दिख जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से होम पे क्लिक कर लेना है, और होम पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है तो आपको GOC और लॉगिन अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उस करने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिएगा, और कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के सामने दिखेगा। इंस्ट्रक्शन दिखने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक कीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए अभी सर्वर नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक, तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेट आपको चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं बिहार चूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए। और देखिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट को क्या कीजिएगा, मैचिंग करा लीजिए। मैचिंग करा लीजिए कहने का मतलब कि आपको दोनों सही होना चाहिए, नेम और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे नेम, यहाँ आधार नंबर डालिएगा, यहाँ कैंडिडेट, और यहाँ फादर सेम डालिएगा, यहाँ मदर सेम डालिएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन को टिक आउट करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो OTP आएगा डालने के लिए, OTP डाल के और
जैसे ओटीपी डालिएगा तो आपके मोबाइल पर या आपके ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कहने का मतलब यूजर नेम, यूजर नेम आपका होता है ईमेल, यूजर नेम आपका हो जाएगा ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चला जाएगा। और जैसे जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको, तो जैसे लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन कैसे कीजिएगा, तो यहाँ आपको ईमेल आईडी सबसे पहले डाल देना है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी एक डाल दे रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लॉगिन मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको टोटल प्रोसेस नहीं बताया, बट उसी तरह होगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो एक बार आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। ठीक, तो लॉगिन मैं कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से आपका पासवर्ड अपना डाल लेना, और यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद आपको ये कर लेना है। ठीक, और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन होकर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या कहेगा, यहाँ से आप जितने भी अप्लाई, देखिए ये टोटल आपका आ गया जितना मैं बोला था, ये टोटल आ गया। उसके बाद यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पर कीजिएगा, तो यहाँ एक अप्लाई करने के लिए इनका मात्र ये है। ठीक, तो यहाँ पे अप्लाई पर भी क्लिक कर देंगे, अप्लाई पे। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, कि यहाँ से कि आपको रिलीजन आपको यहाँ से डाल लेना है, और यहाँ पे आपको क्लास डाल देना है। क्लास का मतलब आप कौन सा कास्ट से के क्लास से आप बिलोंग करते हैं, ये आपको डाल देना है यहाँ से। ठीक है, जैसे हम लोग बिहारी है तो बिहारी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फ़ोटो ले लेना है, और उसके बाद सिग्नेचर डाल देना है। फ़ोटो दोस्तों आपको लेना है 5 से 20 KB, और सिग्नेचर लेना है 5 से आपको 10 KB के साइज में। चलिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर और यहाँ पे कंटिन्यू पे सबमिट पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ही दोस्तों क्लिक करूँगा कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको हाउस नंबर लिख देना है, यहाँ पे आपको हाउस नंबर, और यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, यहाँ विलेज लिख लेना है। अगर आप हाउस नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको जो जो स्टार मार्क दिया हुआ है उसी में आपको फिल कर देना है। और दोस्तों फिल करने के बाद उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ टोटल फिल। देखिए दोस्तों टोटल ये फिल करने के बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पे देखिए सेम एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है, अगर सेम है तो। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको कोई ना कोई एड्रेस डालना होगा, तो चलिए मैं एड्रेस को यहाँ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करके आपको दिखाऊँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ के कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट आपको यहाँ से कुछ भी चेंजिंग यहाँ से नहीं हो पाएगा। एक्सपोर्ट में है अगर जानते हैं तो ठीक है, एक्सपोर्ट किए तो नो, जानते हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक, NCC किए हैं तो यस, नहीं तो नो करके और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। और जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है तो ऐसे ही आएगा, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 10th और 12th के दोनों को टोटल डिटेल को फिल कर देना है। चलिए मैं टोटल डिटेल को फिल करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ से पासिंग ईयर आपका जो 12th का पासिंग ईयर है वो आपको डाल लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं देख ले रहा हूँ कि 12th का पासिंग ईयर क्या है, तो उसको मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो आपको यहाँ पे 18 ले लेना है, 18 मार्कशीट सामने रखना है, तब आपको फिल करना है टोटल डिटेल को। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, 10th का जो रोल नंबर है उसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो फ़ोटो के ऊपर होता है, सर्टिफिकेट नंबर, चलिए मैं रोल नंबर भी यहाँ से डाल ले रहा हूँ। और यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर, ठीक, और यहाँ पे एड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही एड पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड को ओके करके और एक एक आपको सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लेना है। टोटल एक एक सब्जेक्ट हो, सबसे पहले इंग्लिश का डाल देना है, यहाँ पे कितना इंग्लिश में मार्क्स है ये आपको डालना है सबसे पहले।
ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में मैं देख ले रहा हूँ कि यहाँ पे इनका कितना नंबर है, ठीक। तो इन्हीं के मैं इंग्लिश में आपको 37 नंबर, तो यहाँ से 37 कितना में 37, तो 100 में 37। उसके बाद यहाँ पे एड न्यू रो पे क्लिक कर देना है। जैसे एड न्यू पे रो पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ओके आपको करना होगा, ठीक। फिर से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ले लेना है, इंग्लिश के बाद हिंदी आपको सब्जेक्ट लेना है, और हिंदी लेने के बाद आपको देख लेना कि हिंदी में कितना है, ठीक। तो हिंदी में 62 है, तो यहाँ से 62 करके और यहाँ पे 100 में 62 और एड न्यू रो पे क्लिक कर लेना है, ठीक। चलिए फिर से रिकॉर्ड को ओके कर लेना है, ऐसा ही करके टोटल सब्जेक्ट को आपको फिल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं मैथ को भी यहाँ पे डाल ले रहा हूँ, ठीक। मैथ आपका 46, तो यहाँ से मैं 46 को डाल लूँगा 100 में, ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट को आपको ऐड न्यू कर लेना है। चलिए मैं टोटल ऐड कर न्यू करके और आगे के प्रोसेस में बताऊँगा, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो मैंने ऐड कर लिया, ठीक। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद आपको एक संस्कृत डालना है, तो यहाँ पे अदर आपको कर लेना है। दोस्तों जैसे ही अदर कीजिएगा तो एक टैब खुल के आ जाएगा अदर सब्जेक्ट के, यहाँ नाम लिखने के लिए। तो चलिए मैं संस्कृत लिख ले रहा हूँ, ठीक। और उस संस्कृत में यहाँ पे कितना मार्क्स आया हुआ है ये आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे एड न्यू रो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक एक पॉइंट आपको मिला लेना, और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से अगर 12th कर चुके हैं तो 12th आपको यहाँ से डाल लेना है, 12th आर्ट्स पे क्लिक करके, और 12th भी आपको डाल लेना है, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे 12th का पासिंग ईयर आपको डाल लेना है, और उसके बाद 12th का रोल नंबर यहाँ से डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर भी डाल लेना है। चलिए मैं ये भी डाल ले रहा हूँ, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बेटर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे एड पे क्लिक कर लूँगा, ठीक। चलिए एड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि हाँ 12th भी एड रिकॉर्ड आपको सेव सक्सेसफुल हो जाएगा, और नीचे देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ से भी इसका भी सब्जेक्ट आपको एक एक सब्जेक्ट यहाँ से चूज करने के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है, तब नीचे में फिर से यहाँ देखिए आएगा यहाँ से डालने के लिए। अब एक एक सब्जेक्ट को फिर से आपको डालना होगा। तो चलिए मैं दोस्तों ये भी डाल ले रहा हूँ कि चलिए कितना किया आया, तो यहाँ 78 आया हुआ है कि इंग्लिश में, ठीक। तो मैं इंग्लिश 78 और यहाँ से फिर से एक एक सब्जेक्ट यहाँ से मैं एड न्यू रो कर लूँगा, ठीक। देखिए दोस्तों इसमें आपको साइकोलॉजी नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर से अदर पे क्लिक करूँगा। अदर पे क्लिक करने के बाद उसके बाद साइकोलॉजी इसमें टाइप कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक टैब खुल गया है और मैं साइकोलॉजी लिखूँगा। साइकोलॉजी आपको ठीक से लिखना है, PSYCHOLOGY आपको लिख लेना है, ठीक। और यहाँ पे आपको नंबर साइकोलॉजी के भी आपको टाइप कर देना है, ठीक। साइकोलॉजी के नंबर टाइप करने का फिर से ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको इंग्लिश हिंदी दोनों का 50 नंबर का है, आपको फिर से आपको अदर लेकर और आपको फिर से टाइप कर देना है, ठीक। तो चलिए मैं इस दोनों को भी सब्जेक्ट का टाइप करके उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। एक और मैं पॉइंट बताऊँ, यहाँ पे NRB लिखना है आपको। पॉइंट लगा के लिखिएगा तो नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट नहीं लगाना है, नहीं तो बार बार वैलिड इंटर सब्जेक्ट नेम आपको बोलेगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐड करते समय आपको यहाँ पे पॉइंट लगा के NRB नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें पॉइंट यानी कि सिंबल कोई भी आपको अक्षर नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो आपको अच्छा से देख के कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ऐड न्यू मैं करूँगा और अल्टरनेट इंग्लिश वाला डालकर उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। लास्ट वाला विषय भी लिख कर आपको एड न्यू रो पे क्लिक करना है कि ताकि वो सेव हो जाए सक्सेसफुल, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट वाला आपको टाइप करके और छोड़ के कंटिन्यू करना है, तो ये नहीं होगा। पहले एड न्यू रो पे क्लिक करके तब उसके बाद आपको कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक कर लेना है, ठीक। तो कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खोलने के बाद आएगा, और यहाँ पे
अगर एलिजिबिलिटी होंगे तो यहाँ पे नो नहीं लिखेगा, आ जाएगा अप्लाई करने के लिए और ठीक है। और एलिजिबिलिटी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, अगर आप ऐसे किए होंगे और एलिजिबिलिटी होगा तो आपको आ जाएगा, उसके बाद आप आसानी से क्या कीजिएगा अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं सबमिट पे, उसके बाद आपको एक डिटेल चेक करके और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।